आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में जूते अगर इधर उधर बिखरे हुए हैं तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और जूतों को रखने के लिए हम अक्सर रैक लेते हैं या रैक बनवाते हैं, और ऐसे रैक जगह ज़्यादा घेरते हैं। लेकिन अगर हम किसी छोटे घर में रहते हैं या हम किसी फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ पर लिमिटेड स्पेस होता है, तो हमें ऐसे रैक की ज़रूरत है जो कि बहुत ही कम जगह घेरे। आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने अपने घर में कैसा शू रैक लगवाया है, और वो रैक ऐसा है कि जिससे कि बहुत ही कम जगह घिरती है और देखने में भी सुंदर लगता है। और इस आइडिया को आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अभी आप देख रहे हैं वॉल माउंट शूडेन, इसे आप शू रैक भी बोल सकते हैं। इसे मैंने गैलरी की दीवार पर लगाया है और नीचे फर्श से मैंने 6 इंच का गैप छोड़कर इसे लगवाया है ताकि नीचे से सफाई वगैरह आसानी से हो सके। तो ये मैंने 5 शेल्फ वाला रैक लगवाया है, तो इसी में 3 रैक वाला भी आता है, 4 वाला भी आता है, 5 वाला भी आता है। तो आपके घर में कितनी जगह है दीवार पर या फिर आपकी कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप उतनी शेल्फ वाला रैक ले सकते हैं। इस रैक की हाइट 5.5 फीट है और ये देखने में बहुत ही स्लीक सा है, और देखने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ पर जूते वगैरह पड़े हैं। तो अभी मैं रैक को साइड से दिखा रही हूँ, तो साइड से ये सिर्फ 6 इंच गहरा है, तो ये बहुत ही स्लीक सा रैक है। अगर आप चाहें तो आप अपने किसी भी रूम के अंदर भी इसे लगा सकते हैं या फिर गैलरी में भी लगा सकते हैं, तो गैलरी में भी इसे इसमें जूते वगैरह बिल्कुल सेफ रहते हैं, ना तो कोई डस्ट पड़ती है ना धूप पड़ती है, ये सिर्फ 6 इंच जगह घेरता है। रैक की चौड़ाई 19 इंच है और इस रैक को लॉक लगता है, आप चाहें तो लॉक भी लगा सकते हैं, और अंदर से ये रैक कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये स्टील का मटेरियल होता है और इसके ऊपर कोई कोटिंग की होती है जिसकी वजह से ये रस्ट फ्री होता है। तो इस रैक को लगवाए हुए मुझे 8 से 9 साल हो गए हैं और मैंने इसे गैलरी में लगाया हुआ है, तो इसके ऊपर धूप भी पड़ती है, इसके ऊपर बारिश भी पड़ती है, लेकिन इसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगा, ये वैसा का वैसा ही है जैसे मैंने लिया था। तो अभी मैं इसके अंदर आपको शूज़ वगैरह रखकर भी दिखाऊंगी। तो ये 5 शेल्फ वाला मैंने रैक लगवाया है, तो सबसे पहले तो मैं इसमें कोई भी न्यूज़पेपर पुराने जो होते हैं वो बिछा देती हूँ, क्योंकि जो भी हम चप्पल जूते वगैरह पहनते हैं तो उनके ऊपर बाहर से जब हम आते हैं तो डस्ट वगैरह लगी होती है, तो मैं नीचे इस तरह से अखबार बिछा देती हूँ ताकि जो डस्ट वगैरह है वो पेपर के ऊपर लगेगी, तो फिर जब भी कभी इसको साफ़ करना होता है तो मुझे बहुत ही आसानी रहती है। तो मैं इस तरह से पुराने न्यूज़पेपर बिछा लेती हूँ। रैक में और भी कई कलर आते हैं, पिंक कलर, मजेंटा, ऑफ वाइट, लेमन शेड, तो मैंने इसे कॉफ़ी कलर में लगवाया है क्योंकि मैंने इसे गैलरी में लगाना था, तो इसके ऊपर धूप और डस्ट वगैरह पड़नी है, बारिशों के दिनों में बारिश भी पड़नी है, तो मैंने डार्क कलर का रैक लगवाया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हैं। तो इसकी एक शेल्फ पर 3 पेयर जूते ईजिली आ जाते हैं और इसमें जूते साफ़ और सेफ रहते हैं, ना तो इनके ऊपर धूप पड़ती है ना डस्ट पड़ती है और ना ही बारिशों में बारिश का पानी पड़ता है। और इस रैक को हम लॉक भी लगा सकते हैं, तो आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हैं, घर के बाहर भी लगा सकते हैं, गैलरी में भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लॉक लगता है। तो इसमें जूते रखे हुए कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आप देख सकते हैं। तो छोटे घरों के लिए ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, इस तरह से घर में जूते बिखरे नहीं रहते। शूज़ ऑर्गेनाइजिंग का ये आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मोनिकास DIY को सब्सक्राइब करें। तो अभी मैं आपको ये रैक को बंद करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बंद होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।